झारखंड की राजनीति में संथाल परगना का बड़ा ही महत्व है। यहाँ की विधानसभा सीटें न सिर्फ किसी राजनीतिक दल को संथाल परगना में बढ़त दिलाती हैं, बल्कि ये राजनीतिक दल को विधानसभा में सत्ता शीर्ष पर पहुँचाती भी हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए झारखंड की प्रमुख विपक्षी राजनीतिक दल झारखंड विकास मोर्चा संथाल परगना में अपने सदस्यों की संख्या बढ़ाने में जुट गई है। संथाल परगना में सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए सदस्यता अभियान का नेतृत्व खुद झारखंड विकास मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी कर रहे हैं। इस दौरान बाबूलाल ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार झारखंड को गर्त में ले जाएगी। साथ ही कहा कि 2.5 लाख नए लोगों को झारखंड विकास मोर्चा का सदस्य बनाया जाएगा ताकि विधानसभा चुनाव में उन्हें जीतने में मदद मिल सके। 18 तारीख से प्रारंभ होगा और बहुत ही कम अवधि के लिए 15 दिनों के लिए, और 15 दिनों में तय हुआ है पूरे प्रदेश कम से कम 2 लाख 2 लाख नए लोगों को प्रयास और इसी अभियान के लिए उनका चुनाव बीजेपी की तर्ज पर केंद्रीय अध्यक्ष झारखंड विकास मोर्चा ने सदस्यता अभियान तो शुरू कर दिया। साथ ही बाबूलाल मरांडी बोल भी रहे कि चुनाव जीतने के लिए सदस्यों को जोड़ा जा रहा है, अब नतीजे क्या होंगे वो तो चुनावों के बाद ही साफ हो पाएगा। आज से 19 वर्ष पूर्व जब झारखंड बिहार से बढ़कर अलग राज्य हुआ, तब सबके चहेते होने के कारण ही बाबूलाल मरांडी यहाँ के पहले मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन इसके बाद डोमिसाइल की नीति को लेकर और उसके बाद फिर झारखंड में रोजगार के लिए सिर्फ आदिवासियों को बस दिए जाने को लेकर यहाँ के अन्य समुदाय के लोग उनसे दूर होते चले गए। आज नतीजा यह हो गया है कि पहले तो मुख्यमंत्री की गति उनसे गई और अब धीरे धीरे करके चुनाव में उनकी लोकप्रियता घटती गई। इस बार के लोकसभा चुनाव में तो उन्हें एक भी सीट नहीं आई। ऐसे में अब वे फिर से सदस्यता अभियान पर निकले हुए हैं ताकि लोग इनसे जुड़े हुए हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि लोग इनके पक्ष में कितने आ पाते हैं, फिर से इन पर विश्वास जता पाते हैं या नहीं। लेकिन इसका पता तभी चलेगा जब 2019 में यहाँ विधानसभा का चुनाव हो जाएगा। पंजाब केसरी के लिए दुमका से वीरेंद्र कुमार झा।